The collective annual function of three colleges of the city's private educational group, Ma Mangala Group of Institutes, City College, Ma Mangala College and SS College was organized on 17 February in the premises of Ma Mangala College. On this event, college professor Sheikh Jalal made the students perform a religious Qawwali. Today, Bajrang Dal workers objected to this and protested outside the college. As a protest, Bajrang Dal workers and college students recited Hanuman Chalisa in front of the college and prayed to God for the wisdom of college management and teachers. After Bajrang Dal lodged a protest, the college management accepted its mistake regarding the nature of program and gave a written apology and promised not to make such a mistake in the future. Also, Professor Sheikh Jalal was relieved by the college management with immediate effect. Bajrang Dal District Convener Vinay Dubey called this a step to push Hindu sisters towards love jihad and called upon all the girl students to stay away from such mentality. Vinay Dubey said that such jihadi mentality will not be tolerated at all if such things happened in the future. There will be a fierce protest, he added. अब ये बताएंगे किस लिए विरोध किया जा रहा है और किस प्रकार का विरोध किया जा रहा है। माँ मंगला कॉलेज में 17 तारीख को एनुअल फंक्शन है, हमारी हिंदू बहनों उनसे कव्वाली कराई जा रही थी और जो कि यहाँ के टीचर शेख जलाल सारंगढ़ निवासी यहाँ पढ़ाते हैं उनकी ये मानसिकता के हिसाब से उन्हीं के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था। सभी हिंदू बहनों को पोस्टर धारण करा के कव्वाली कराई जा रही थी जो कि हमारे दृष्टि से लव जिहाद के तरफ ढकेलना बहनों को एक पहला ये प्रोसेस था जिसका विरोध बजरंग दल द्वारा आज माँ मंगला कॉलेज में आके किया है और माँ मंगला कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित किया गया है और अपने लेटर पैड में माफ़ीनामा दिया है कि जो ये हुआ है ये हमसे गलती हुई है और आगे से इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। मैं सभी बहनों को हिंदू बहनों को भी जो भी किसी भी कॉलेज में पढ़ती हैं आपके माध्यम से ये उनको बताना चाहता हूँ कि केरला फाइल ऐसी कई सारी मूवी जो एकदम कथित सत्य घटना पर बनी हुई देखने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। इन लोग की मानसिकता इतनी गंदी है कि अब सोचो कॉलेज में भी एनुअल फंक्शन के हिसाब से उनको बुर्का धारण करा के कव्वाली कराने की क्या जरूरत है, सिंपल में भी हो सकता है लेकिन वो लव जिहाद की तरफ ढकेलना ये बर्दाश्त नहीं होगा और बजरंग दल इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज माँ मंगला है, अन्य इनको अभी समझाई दी गई है, माफ़ी दिए हैं, नामा मांगे हैं लिखित में, आगे से अगर होगा तो इसका उग्र आंदोलन के द्वारा विरोध किया जाएगा बजरंग दल द्वारा। हनुमान चालीसा का पढ़ के विरोध किया गया, माँ मंगला कॉलेज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग दल द्वारा और माँ मंगला कॉलेज के छात्रों के द्वारा किया गया ताकि यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर को सद्बुद्धि आए और वो आगे से इस टाइप से कार्यक्रम न करें। परिचय बताएंगे। विनय दुबे, विभाग संयोजक, रायगढ़ विभाग। रोल बताएंगे मैम क्या मामला है, अभी कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। असल में हमारा ये तीन कॉलेज है, रायगढ़ सिटी कॉलेज, माँ मंगला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से चलता है, उसमें मंगला कॉलेज, रायगढ़ सिटी कॉलेज और एसएस कॉलेज का एनुअल फंक्शन था जिसमें कि हमारे द्वारा एक टीचर के द्वारा मुस्लिम कव्वाली पर कार्यक्रम करा दिया तो उसी को लेकर इन लोग विवाद बना रहे हैं कि कॉलेज में धर्म के संबंध में आपने वो क्यों कराया डांस वगैरह। तो हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो शिक्षा का मंदिर है और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे सब पढ़ते हैं साथ में, तो हमारे यहाँ तो सरस्वती पूजा भी होती है, गणेश पूजा भी होती है और हमारा ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं था, पर गलती से वो कव्वाली हमारे द्वारा करा दी गई बच्चों के द्वारा। तो इसीलिए इन लोग विवाद खड़ा कर दिए कि आपको इस टाइप के धर्म संबंधी कार्य नहीं कराना था। बुर्का को लेकर बुर्का नहीं था, ऐसे चुन्नी लपेटे थे, मतलब चुन्नी बच्चे लोग लड़कियाँ। टीचर को भी निकाला गया, टीचर को भी हाँ उन्होंने कहा कि तुरंत टीचर को मुक्त करिए। तो वैसे तो हमारे डायरेक्टर सर ही नियुक्त करते हैं मगर मैंने इनका कहना मान के उसको कार्य से मुक्त कर दिया है और मैंने सॉरी भी बोल दिया है कि आइंदा भविष्य में कभी इस टाइप के प्रोग्राम धर्म संबंधी हम लोग नहीं करेंगे। लिखित सॉरी, मैंने खुद मेरे पूरे महाविद्यालय परिवार के द्वारा मैंने इस संबंध में सॉरी कह दी, बाकी हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का कुछ फंक्शन। ठीक, थैंक यू मैम।